पूरे देश में तो आप ही की सरकार है ना, कहाँ है विकास की गंगा? हम भी विकास को ढूंढ रहे हैं। विकास वैसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। भगवान हमारे भक्त हम उनके, तुम कौन हो बीच में भाई? हमको कौन भगवान का कैसे पूजा करना है, हमको सजदे में कैसे सर झुकाना है, ये तुम तय करोगे। एक पत्रकार ने हमको पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ाए हैं, इसका क्या राज है? हम बोले सुनो, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि चूल कटवा लें कि उसको जो है ललका रंग से रंगवा लें कि हरियरका रंग से रंगवा लें, उससे हमको क्या लेना देना है? ये जो नेता लोग है ऐसा लगता है जैसे चिड़िया खाना में रहता हो। कोई शेर बन रहा है, कोई कोबरा बन रहा है और कोई सियार तो है ही रंगा हुआ। इनको लगता है कि बाम फ्रंट का सरकार देख लिए, दीदी का सरकार देख लिए, एक बार भाजपा को भी देख लेते हैं, नया पार्टी है, फेरन लवली है। पिछला वाला फेरन लवली से मुंह गोड़ा नहीं हुआ था तो अभी फेरन लवली प्लस खरीद लेते हैं। कैसी बात है ये। मैं बिहार से आता हूं, 2005 से भाजपा सरकार में है। क्या बदल गया है बिहार का हमको जरा बताइए? कितना एम्स खुल गया है, कितना IIT खुल गया है, कितना जो है बहाली जो होती है नौजवानों की, SSC की बहाली कितनी रेगुलर हो गई है, कितने नए उद्योग खुले हैं, कितनी नई सड़कें बन गई है, कुछ नहीं। ये कहते हैं कि हमको मौका दीजिए, हम विकास का गंगा बहाएंगे। हाँ, बहा रहे हैं ना मध्य प्रदेश में विकास का गंगा? पूरे देश में तो आप ही की सरकार है ना, कहाँ है विकास की गंगा? हम भी विकास को ढूंढ रहे हैं। विकास वैसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा चीज बीजेपी के आ जाने के बाद होगा जो पहले नहीं हो रहा था? ऐसी कौन सी बात हो जाएगी? ये बात आखिर बोला क्यों जा रहा है? इसके पीछे साजिश क्या है? इस साजिश को आप समझिए। वो आकर के ये बात नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हम बंगाल में विकास कैसे करेंगे, वो हम धर्म कैसे मानेंगे, हम पूजा कैसे करेंगे, हम उपासना कैसे करेंगे, इस पे आकर के ज्ञान देते हैं। सुनो, भगवान हमारे भक्त हम उनके, तुम कौन हो बीच में भाई? हमको कौन भगवान का कैसे पूजा करना है, हमको सजदे में कैसे सर झुकाना है, ये तुम तय करोगे। सरकार का काम लोग धर्म का कैसे पालन करेंगे ये बताना थोड़ी होता है। सरकार का काम होता है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमको सुरक्षा दीजिए, आप हमको नौकरी दीजिए, आप हमको सड़क दीजिए, आप हमको बिजली दीजिए, आप हमको पानी दीजिए। सरकार का काम ये होता है ना। आजकल नया भाषण देना शुरू किए हैं, बोल रहे हैं कि जीत करके आएंगे तो नवन्ना से वापस जो है सेक्रेटेरिएट को राइटर बिल्डिंग में लेकर के जाएंगे। आप चांद पे लेके चले जाइए, मंगल ग्रह पे लेके चले जाइए, उससे क्या होगा? सेक्रेटेरिएट को आप नवन्ना ले जाएं कि राइटर ले जाएं, अगर उस सेक्रेटेरिएट में बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की भर्तियां नहीं निकलती है तो वो सेक्रेटेरिएट हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमको यह समझना पड़ेगा कि असली सवालों को गुमराह क्यों किया जाता है, क्यों भटकाया जाता है, और भटकाने के लिए बढ़िया बढ़िया कैमरा और बढ़िया बढ़िया गेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं पटना से आ रहा हूं, एक पत्रकार ने हमको पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ाए हैं, इसका क्या राज है? हम बोले सुनो, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि चूल कटवा लें कि उसको जो है ललका रंग से रंगवा लें कि हरियरका रंग से रंगवा लें, उससे हमको क्या लेना देना है? उनका दाढ़ी है, उनका बाल है, मन है तो बढ़ा लें, मन है तो कटा लें, इससे हमको क्या लेना देना है? तो आप उनकी दाढ़ी का बंगाल चुनाव पे कोई इंपैक्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हमने भारी बुड़बक आदमी है जी, मैंने बंगाल के लोगों को इतना समझ नहीं है क्या कि वो किसी का दाढ़ी देख करके वोट दे देगा? हम ऐसे ही उस पत्रकार को डांट रहे थे और हमको पता नहीं था कि इस गेटअप का सचमुच में कोई मतलब है। जब हम आए कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हर तरफ जो है मोदी जी अभिनय करते हुए नजर आए, जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं।
हर पोस्टर पे जो है कहीं हाथ जोड़ के खड़ा है, कहीं आसमान में उंगली दिखा रहे हैं। तो हमको लगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गए हैं क्या। हर जगह उनका फोटो दिख रहा था। तो हम पूछे उनको, तो जो है एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ए महाराज शुभ शुभ बोलिए, शेरू दिल्ली में बैठा हुआ है तो उसको पालने के चक्कर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसको यहाँ बंगाल भेज दीजिएगा तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। और ऊपर से वो कोबरा अलग से आ गए हैं। माने ये जो नेता लोग है ऐसा लगता है जैसे चिड़िया खाना में रहता हो। कोई शेर बन रहा है, कोई कोबरा बन रहा है, और कोई सियार तो है ही रंगा हुआ। मैंने सियार रंगा हुआ इस तरीके से है कि शाम तक दीदी का आंचल पकड़े हुए था, नहीं दीदी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। रात में इनकम टैक्स से फोन आया और भोरे मोदी जी के दफ्तर में पहुंच गया। देखिए एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे है, पूरा देश आपको देख रहा है। और हम लोग तो बिहार के लोग हैं, अपने आप को जब भी गौरवान्वित करने का मन होता है तो कह देते हैं कि बिहार तो बंगाल का ही पार्ट था ना। आपके ऊपर हमसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। बिहार में हम लोग ले 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 करके इस बार जो है ना ऑलमोस्ट हराने तक पहुंचा दिए थे। आप लोग जो है प्रबुद्ध लोग हैं, आपके पास जो है एक स्वर्णिम इतिहास है। हम उम्मीद करते हैं और हमारी तरह पूरा देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत में इस देश के भीतर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने वाली शक्तियों को सत्ता में नहीं आने दिया जाए। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मन से नहीं बोल रहे हैं, पक्का एकदम। लेकिन जब आप वोट देने जाइएगा ना तो मन में एक दुविधा रहेगी। हम बता देते हैं आपको, जब हम JNU में चुनाव लड़ रहे थे तो हम जिसको भी वोट मांगते थे ना तो बोला भाषण बहुत अच्छा था, आदमी भी तुम बहुत अच्छा हो, लेकिन वोट तुमको दे देंगे ना तो ये भी जीत जाएगा। एक बार सुने, दो बार सुने, पांच बार सुने, 10 बार सुने, तब हम बोले अच्छा सुनो, एक आदमी जब बोला ना कि वोट तुमको देंगे ना तो ABBP जीत जाएगा, हम कहे सुनो वोट हमको दोगे तो ABBP कैसे जीत जाएगा। साइकट को भी ये बात सुनने को मिलता होगा, लोग पक्का कहता होगा देखो तुम हो तो नौजवान, जोश भी है तुम्हारे अंदर, और इस बिकने के जमाने में जब सब कुछ बिक रहा हो, रेलवे बिक रहा हो, LIC बिक रहा हो, बैंक बिक रहा हो, डाकखाना बिक रहा हो, जब सब कुछ बिक रहा हो, उस जमाने में ईमान को नहीं बेचने देना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसका ईमान ऑन सेल नहीं है। इस जमाने में ये लाल झंडा पकड़ करके जहां बड़ी मुश्किल से जो है जगह मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल पार्टी को कि आपने नौजवानों को मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। मौका मिला है और ये लड़ रहा है। कई जगह इसको जाकर के लोग यही कहते हैं कि नौजवान हो, ईमानदार हो, बढ़िया बोलते हो, लेकिन वोट देते हुए घबराहट होती है कहीं भाजपा न जीत जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक बार जब हम JNU के चुनाव लड़ रहे थे तब लोग यही कहता था कि दो तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, लड़ते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ABBP जीत जाएगा। तो हम बोले सुनो वोट दोगे हमको तो जीत भाजपा कैसे जाएगा भाई। ये बात हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि हम नागरिक नहीं है। वो TV पे मार मुंह में स्नो पाउडर लगा करके शाम को जो आता है ब्रेकिंग न्यूज, लगता है सारा ज्ञान उसी के पास है, हम लोग तो कुछ नहीं है। सारा सरकार बना वही लोग रहा है, गिरा वही लोग रहा है, तो हम लोग क्या हैं? हमारे दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि हम नागरिक नहीं है, प्रजा हैं। वो लोग जो टीवी में तय कर देंगे वही होगा, ऐसा नहीं होता है। हम सबको जब यही कहना शुरू किए कि एक एक को कि वोट दोगे हमको तो जीत ABBP कैसे जाएगा, वोट दीजिएगा जब आप हमको तो जीत BJP कैसे जाएगा, मन में यह दुविधा नहीं रखिएगा।
भाजपा को अगर हराना है तो भाजपा को हराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको हरा कौन रहा है, जो टीवी आपको बता रहा है उसको वोट दे देने से भाजपा नहीं हारेगी, यह बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। क्योंकि भाजपा सिर्फ चुनाव में खड़ा होने वाली एक पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश में विभाजन के कगार पर वो स्थिति पैदा करने वाली विचारधारा है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर उस विचारधारा को आप हराना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति का भी चुनाव करना पड़ेगा जो मर जाए, कट जाए, जेल में बंद हो जाए, सूली पर चढ़ जाए, लेकिन भाजपा के सामने झुकेगा नहीं, भाजपा के सामने बिकेगा नहीं। इस बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और मैं, शाम का वक्त है, शैतान का नाम बार बार नहीं लेना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि किस पार्टी का लोग कहां जाकर के बिक रहा है इसके बारे में आपको मालूम है। एक दुगो इधर से भी उधर गए हैं, एक दुगो इधर से भी उधर गए हैं। तो मैंने एक कॉमरेड को पूछा, जो कभी कॉमरेड हुआ करते थे और हमको मार्क्स लेनिन पे ज्ञान दिया करते थे, उसको हमने पूछा कि क्यों जी, ऐसा क्यों किए तुमने, अपनी विचारधारा और अपने ईमान से गद्दारी क्यों की? तो बोला टीएमसी को शिक्षा देना चाहते थे। बांग्ला में शिक्षा देना ही बोलते हैं ना, सबक सिखाने को। बोला टीएमसी को शिक्षा देना चाहते थे। हम बोले बड़ा कमाल बात है, टीएमसी को शिक्षा देने के लिए तुम बीजेपी में चले गए? लेफ्ट में रहते हम दोनों को बढ़िया से शिक्षा दे देते। जो लोग इस लड़ाई को छोड़ करके भागते हैं, वैसे लोगों के समर्थन में मैं आपके बीच बात रखने के लिए नहीं आया हूँ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।